रिंग रोड नी सुंदरम स्पेस बिल्डिंग मा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक मा थी 115 लोन धारकों ए मिलकत नी वैल्यू ओछी होवा छतां वधु बतावी 31 करोड़ रुपया नु लोन कौभांड करी होवानुं सामे आव्युं छे, जेमां खुद बैंक ना कर्मचारी केस लावनार व्यक्ति अने वैल्यूअरे मुख्य भाग भजवी बैंक ने करोड़ों नु नुकसान कर्यो। वर्ष 2021 मा सूरत नी ब्रांच नो कलेक्शन रिपोर्ट चेक करता तेमां गड़बड़ होवानुं बहार आव्युं। मुंबई थी कलेक्शन टीम सूरत आवी 13 जेटली प्रोपर्टी ने विजिट करी हती। तमाम प्रोपर्टी की कीमत लोन ने वैल्यू थी घणी ओछी होवानुं सामे आव्युं हतुं। करोड़ों रुपयाना लोन कौभांडना पगले उत्कर्ष स्मॉल फाइनांस बैंक ना हेड कलेक्शन ऑफिसर राहुल सिन्हाए क्राइम ब्रांच में फरियाद आपी हती, जेना पगले क्राइम ब्रांच की इको सेल की टीम संदीप प्रवीणचंद्र राणा, संजय शंभू, रौनक दुष्यंत ठक्कर, कृष्णकांत अमृत पंडित, पवन मोहनदास सगवाणी, रमेश सतार चंद जैन, भूपेंद्र शशिधर मिश्रा, मयूर शशिकांत बिस्किटवाला, चिराग कथिरिया, चंदन जयप्रकाश गुप्ता, महावीर भरोडिया क्रेडिट मैनेजर सहित 14 लोग सामे ठगाई गुन्हो नोंधियो। वधुमां इकोसेल पीआई एवाई बलोचे जणाव्युं हतुं, हाल में लोन कौभांड में 4 जना की धरपकड़ कराई। लोन कौभांड में उत्कर्ष स्मॉल फाइनांस बैंक चेनल सेल्स मैनेजर मयूर बिस्किटवाला, बैंक डी एसए संजय बोगरा, बैंक ना वेल्युअर पवन कुमार साधवाणी, बैंक ना डीएसए संदीप राणा नी इकोसेले धरपकड़ कराई छे। बैंक ना कर्मचारी नी मिलीभगत थी वर्ष 2020 थी 21 सुधी मा मिलकत नी वेल्यू ओछी होवा छतां वधारे वेल्यू बतावी करोड़ों नी लोन आपवामां आवी हती। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के हेड कलेक्शन फ्रॉड रिस्क एंड एनालिटिक्स यूनिट की एक कंप्लेंट के आधारित एक इन्वेस्टिगेशन सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में चल रही थी, जिसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2020 और 2021 में दी हुई कुल 115 लोन्स, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूएशन 31 करोड़ की हो रही है, जिसमें बैंक के ही अलग अलग जो लोन लेने के लिए जो एप्लीकेशन करवाते हैं वो लोग एजेंट और बैंक के कर्मचारियों के साथ एक साथ मिलके उनके साथ छेतरपिंडी की गई थी, जिसमें सूरत सिटी डीसीबी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें आईपीसी की सेक्शन 409, 120B और 34 की सेक्शन लगा के आगे की तपास हाथ धरी गई थी, जिसमें सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार तोमर सर, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शरद सिंगल सर, डीसीपी क्राइम रूपल सोलंकी सर के मार्गदर्शन में सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सफलता मिली। और ये जो ओवर फंडिंग के माध्यम से बैंक को जो नुकसान किया जा रहा था, जिसमें मुख्य 4 आरोपी की गिरफ्तार की गई है, जिसमें मयूर शशिकांत बिस्किटवाला है जो चैनल सेल्स मैनेजर है, जिन्होंने जान रहे थे कि जो वैल्यूएशन होती है मिल्कत की वो कम है, ताक और भी कम होने के बावजूद भी उनको लोन प्रोवाइड की गई थी, करवाई गई थी। दूसरे संजय कांजी भाई बोगरा जो कंपनी बैंक के डीएसए है, उन्होंने जो लोन प्रोवाइड जो एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई थी बैंकों की, वो सभी लोन एनपीए जाहिर की गई है। तीसरे है पवन कुमार मोहनदास सांगवाणी, वो बैंक के वैल्यूअर है, वो जान रहे थे कि जो मॉर्गेज की जो मिलकत है उसकी वैल्यूएशन कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने ओवर वैल्यूएशन दिखा के लोन पास करवाई गई थी उनके द्वारा। फोर्थ है संदीप कुमार प्रवीण चंद्र राणा, वो बैंक के डीएसए है, वो भी जो लोन उनके माध्यम से जो लोन दी गई थी वो टोटली एनपीए जाहिर की गई है। ये जो पूरी ओवरऑल मॉडस ऑपरेंडी है, जिसमें बैंक के कर्मचारी बैंक में जो केस लाते हैं लोन की एप्लीकेशन के वो और बैंक के जो वैल्यूअर है वो साथ मिलके ये पूरा फ्रॉड किया गया था, जिसमें तकरीबन 2021 और 2022 में कुल 115 लोन दी गई थी, जिसमें जिसकी रकम तकरीबन 31 करोड़ है जो एनपीए जाहिर हुई है। सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ये केस में और भी आगे तपास हाथ धर रही है, जिसमें इनमें जो बेनिफिशियरी जिसको लोन दी गई थी उसकी भी प्राथमिक तपास अभी चल रही है और स्पेशल फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से आगे और भी जो ये जो पूरा फ्रॉड है जिसमें और भी जो आरोपी अंदर संलिप्त होंगे उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्त करके ये पूरा ओवर फंडिंग के माध्यम से जो बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहा है उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ना हेड कलेक्शन फ्रॉड रिस्क अने एनालिटिक्स ग्रुप जे एक यूनिट है, तेओनी एक अरजी अनुसंधाने सूरत
सिटी इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग ने एक अरजी मिली थी जेमां दर्शावामां आवेलुं हतुं के तेओनी बैंक में ओवरफंडिंग थयेल छे अने बैंकना कर्मचारी केस लावनार व्यक्ति तथा वेल्युअर तमाम लोकोए एक साथे भाग भजवीने बैंक ने मोटू आर्थिक नुकसान करी बैंक साथे छेतरपिंडी अने विश्वासघात करेल छे। जे बैंक में जे 2020 तथा 2021 कुल 115 जेटली लोनो जे बैंक द्वारा आपवामां आवेली तेमां ओवरफंडिंग थयेल हतुं अने अंदाजित 31 करोड़ रुपया जेटली मातबर रकमनी ऊंचापात बैंक द्वारा थयेली हती। जे अनुसंधाने प्राथमिक तपास करता सूरत सिटी इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग द्वारा DCB पोलीस स्टेशनमां एक FIR दर्ज करवामां आवेली जेमां IPC कलम 409, 120B तथा 34 कलम उमेरीने ते अनुसंधाने तपास हाथ धरवामां आवेली जेमां माननीय पोलीस कमिश्नर श्री अजयकुमार तोमर सर, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शरद सिंघल सर तथा DCP क्राइम रूपल सोलंकी सरना मार्गदर्शन हेठळ इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग ने सफलता मळी अने आ जे लोन ओवर वेल्युएशन करीने जे फ्रॉड करवामां आवतुं हतुं तेमां प्राथमिक तपासमां कुल 4 आरोपीओनी अटक करवामां आवेली छे। આરોપીઓની વિગત છે, એક મયુર કુમાર શશિકાંત બિસ્કિટવાલા જેઓ સુરત અડાજણના રહેવાસી છે, તેઓ ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં ચેનલ સેલ્સ મેનેજર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે। તેઓ જાણી જોઈને મિલકતની જે વેલ્યુ ઓછી હોવા છતાં લોન ડિસ્બર્સમેન્ટ કરવામાં બેંકને મદદ કરવામાં આવેલી હતી। બીજા વ્યક્તિ છે સંજય કાનજીભાઈ બોગરા, તેઓ વરાછા સુરતના રહેવાસી છે, તેઓ બેંકમાં DSA તરીકે કામગીરી કરી રહ્યા છે। તેઓએ જે મિલકતની ફાઇલો લાવી હતી તે મિલકતની ફાઇલો ચેનલ સેલ્સ મેનેજરને આપવામાં આવેલી હતી અને જે તેઓની ફાઇલ દ્વારા જે લોન આપવામાં આવેલી હતી તે તમામ NPA જાહેર થયેલ છે। ત્રીજા વ્યક્તિ છે પવનકુમાર મોહનદાસ સાગવાણી, તેઓ બેંકના વેલ્યુઅર છે। તેઓએ જાણવા છતાં કે જે મિલકત છે તેઓની વેલ્યુ ઓછી છે તો પણ વધુ બતાવીને ખોટું વેલ્યુએશન કરીને લોન અપાવવામાં પોતાની છેતરપિંડીમાં ભાગીદારી ભજવેલી। ચોથા વ્યક્તિ છે સંદીપ કુમાર પ્રવીણચંદ્ર રાણા, તેઓ સંગ્રામપુરા સુરતના રહેવાસી છે, તેઓ પણ બેંકના DSA છે। તેઓએ જે ફાઇલો બેંકોને અપાવવામાં આવેલી હતી તે તમામ ફાઇલોની બેંક દ્વારા જે લોન આપવામાં આવેલી તેઓ તે પણ NPA તરીકે જાહેર થયેલ છે। બેઝિકલી આ ગુનાની એમો એ રીતે છે કે બેંકના જ કર્મચારી, બેંકના જે કેસ લાવનાર વ્યક્તિ તથા બેંક દ્વારા જે વેલ્યુઅર નિમણૂક આપવામાં આવેલા છે ત્રણેય લોકોએ એક સાથે ભાગ ભજવીને અલગ અલગ કુલ 115 જેટલી લોન જે આશરે 31 કરોડ રૂપિયાની થાય છે તે લોન ઓવર વેલ્યુએશન જે મિલકતને મોર્ટગેજ આપવામાં આવતું હોય છે તે મિલકતની ઓવર વેલ્યુએશન બતાવીને તમામ લોન અપાવવામાં આવેલી હતી અને બેંકને ઓવરફંડિંગ કરવામાં આવેલું હતું જે એક સુયોજિત પ્રોફાઇલ ફંડિંગનું એક ભાગ છે। સુરત સિટી ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ હજી પણ આ ગુનાની આગળ તપાસ કરી રહી છે। આ 4 આરોપી સિવાય પણ આ જે આખું ઓવરફંડિંગનું જે ફ્રોડ કરવામાં આવેલું છે તેમાં અન્ય બેંક કર્મચારીની જે સંડોવણી હશે, અલગ અલગ કેસ લાવનાર વ્યક્તિઓની જે સંડોવણી હશે તથા વેલ્યુઅરની સંડોવણી હશે તથા આ જે લોન લીધી છે તેમાં કોને ફાયદો થયો છે તેઓને પણ એક સ્પેશિયલ ટીમ બનાવીને જેમાં ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની પણ મદદ લઈને અન્ય પણ આરોપીઓની આવતા સમયમાં ધરપકડ કરીને આ જે ઓવરફંડિંગનું ટોટલ જે ક્રાઇમ ચાલી રહ્યું છે સુરત સિટીમાં તેને નેસ્તનાબૂદ કરવાની કોશિશ કરશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત।